मेकअप वेकअप कुछ नहीं है, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। और हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ स्किन का कुछ ट्रीटमेंट कराने। वो क्या कराने है वो तो आप लोग साथ में ही चलोगे। एंड अभी मेरा फेस आप लोग देख लो, मैंने सनस्क्रीन लगाया है और मैंने न्यू सनस्क्रीन ट्राई किया है, तो हल्का मुझे लग रहा है व्हाइट कास्ट छोड़ दिया है। बट एनीवे ठीक है, सिर्फ लिपस्टिक ऐड किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलो चलते हैं और आप लोगों के साथ मैं क्लिनिक पे जाके फिर मिलती हूँ। हे गाइस, मैं क्लिनिक आ गई हूँ। मेरा फेस का क्लीनिंग वो सारे पार्ट हो गया है, अब मेरा फेस में लग रहा है कार्बन पिलिंग। इसको कितना टाइम रखना पड़ेगा? 5 मिनट। अच्छा। सूखने के टाइम जब तक जितना देर सूखने में टाइम लगेगा। अच्छा। यही पिलिंग का पिगमेंटेशन को टारगेट करता है। ये मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, तो इसका रिजल्ट कैसा है? मैंने सुना है अच्छा है। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? कितना में पता चलेगा आपका, मतलब सेटिंग? अभी अभी आप करिएगा ना जी, ये जब हटेगा तो तभी तो आपका फेस एकदम क्लीन लगेगा, आप देखिए। अच्छा। अब जैसे कि फिर इसका रिजल्ट 2 दिन में भी आपको दिखेगा ना, जैसे 3-4 सेटिंग में मेरे को एक समझ में आ जाएगा कि बिफोर आफ्टर कितना क्या हुआ ना। जैसे 6 सिटिंग ले लिया, फिर इसके बाद क्या इसका कोई मेंटेनेंस है ऐसा कुछ? हाँ, मेंटेनेंस तो रहता है। अच्छा। आपका सनस्क्रीन वगैरह ये सब लगाना, जैसे मैम बताती हूँ। अच्छा। वो सब के ऊपर आपको डिपेंड है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये पिगमेंटेशन के लिए कितना अच्छा वर्क करता है, सो लेट्स सी, मेरा भी अच्छा ही वर्क करेगा। अभी मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है ताकि मेरा ड्राई हो जाए। सो ऑलमोस्ट मेरा ड्राई हो गया है और मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा क्लोजअप में आप लोगों को मैं दिखाऊँ, बट मेरा हैंड भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि मतलब खुद से सब कुछ करना ऊपर से मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पर मैं कोशिश करूँ मैं सारी चीज़ अच्छे से कवर कर पाऊँ। और ये रहा ये मशीन, इसी से ही मेरा शॉट चलेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ ये सारे चीज़ देख के, फर्स्ट टाइम करा रही हूँ। जैसे कि जितना मैंने इन्फॉर्मेशन लिया था, जो मैंने देखा था, उससे है थोड़ा सा चिट चिट करके एक आवाज़ आता है। सो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और मैं ना थोड़ा सा रोने लगी थी नर्वस होके। सो यस गाइस, ये मैं थोड़ी सी हूँ मैं, मतलब अंदर से मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। सो होप सो कि अच्छे से हो जाए। और मैं देखो डर भी रही हूँ और सिस्टर को बोल रही हूँ कि रुको रुको ये वो। सो देखते हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही हूँ। क्या करूँ, डर लग रहा है। सिर्फ ये बताओ, ये जो छिट 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 जो हो रहा है उससे मुझे तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ भी नहीं। तो वो जो डर लग रहा है वो ऐसे ही ना? हाँ, बस आपको ऐसे ही डर लग। हाँ, तो सिस्टर बहुत अच्छी थी, मुझे वो हिम्मत दे रही थी कि आपको ऐसे ही डर लग रहा है। गाइज, इसका जो आवाज़ है ना, इस ये मेरा कान में ऐसा लग रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो जा रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। मैं थोड़ी सी डरपोक वैसे हूँ, बट अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब मेरा कान में कोई बंदूक चला रहा है। एंड आप लोगों ने भी साउंड तो सुना ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली है आपका स्किन में, कुछ समझ में नहीं आता। जस्ट वही आवाज़ की वजह से मैं नर्वस हो रही हूँ, पर मेरे जैसा जो मतलब मैं बहुत थोड़ा नरम दिल की बोल मतलब हूँ, मुझे थोड़ा होता है, मुझे तो इंजेक्शन से भी प्रॉब्लम होता है, मतलब इतना डरती हूँ मैं। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही
मतलब सबसे बड़ा बात है ये जितना मुझे बातचीत से पता चला है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही मतलब अच्छा है एंड ये इजीली सब कोई करता है, यहाँ तक 16-17 साल के बच्चे भी टीनेज भी आके करके जाते हैं, मैंने देखा है। बट मुझे ही डर लग रहा है, मेरी तो फटी पड़ी हुई है जस्ट बिकॉज आवाज़ मेरा कान में ना बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, दैट्स इट। अदरवाइज़ मुझे और कुछ नहीं हो रहा है, बट ठीक है आज फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा मेरा हुआ है, बट मैं हिम्मत जुटा रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो साइड है मेरा, यहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है, ये एरिया में ज़्यादा है, रात को दिख रहा है, अभी कार्बन लगाया हुआ है, बीच बीच में छप्पा छप्पा है, ठीक है। आप वो देख के वहाँ पे ज़्यादा ही करना, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। पर गाइज फाइनली अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ और सिस्टर को मैंने समझा दिया है कहाँ कहाँ मेरा पिगमेंटेशन है ताकि थोड़ा सा टारगेट में आए। और मैंने ना बहुत ही इसका ना मतलब होता है, पॉइंट रहता है कि कितना में देना है, मैंने सबसे लो पॉइंट में ही मैं करवा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर अब मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि अब पॉइंट बढ़ा दो एंड मैं अब आराम से कर रही हूँ। अब मुझे वो जो प्रॉब्लम हो रहा था साउंड के वजह से, अब वो डर मुझे अब नहीं लग रहा है, वो डर धीरे धीरे मेरा हट रहा है एंड यस अब मैं आराम से कर रही हूँ। पर आप लोग ये सारी चीज़ देख के डरना मत, ये सारी चीज़ कुछ नहीं होता है, बस दिल का वो एक जो डर रहता है। मेरा तो हल्का फुल्का इंजेक्शन से ही तो मैं इतना ज़्यादा चिल्लाती हूँ, तो ये सारी चीज़ थोड़ा बहुत मुझे नर्वस कर देता है, अदरवाइज़ बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा है। हे गाइस मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया है, अब मेरा स्किन क्लीन किया जा रहा है। डॉक्टर से जाने से पहले मैं बात कर लूँगी आप लोगों के साथ, मैं 3 दिन बाद मिलूँगी विथ रिजल्ट के साथ, क्योंकि 3 दिन के बाद पता चलेगा स्किन में कितना इफेक्ट हुआ है, अभी उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा। बट फिर भी जो क्लीन कर रहा है आप लोग देख लीजिए कितना क्या है। पर सिस्टर मुझे जैसे बोल रही है कि मैम आपका स्किन थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, वो नॉर्मली पहले भी बोल चुकी थी और ऐसा मुझे भी समझ में थोड़ा आ रहा है, बट अभी मैं उतना कुछ फीडबैक नहीं दूंगी, मैं 3 दिन के बाद ही आप लोगों के साथ मिलूंगी और बताऊंगी कि मुझे क्या रिजल्ट दिख रहा है। एंड यस मैं थोड़ी सी मतलब वो मतलब मुझे बता रही थी कि कहाँ पे क्या पिगमेंटेशन है, और ये थोड़ा सा जो नोचने का जो दाग दिख रहा है ये मेरा पेट, मेरा टॉम बाबू का हाथ से थोड़ा सा नोचा गया था, तो वही पूछ रही थी, वो ज़्यादा मेजर नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, पर मेरे को ऐसा डर लगा उस आवाज़ से जिससे मैंने बहुत ही मतलब उनको बहुत परेशान किया, मैंने सिस्टर को अच्छे से करने नहीं दिया था। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, 3 दिन बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय चैनल। सो आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने कार्बन लेजर फेसियल करवाया है एंड आज मेरा 3रा दिन है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि फेसियल के बाद आफ्टर 3 डेज रिजल्ट अच्छे से दिखेगा एंड उसके बाद आज मैंने नहाया भी है, क्योंकि 3 दिन मैंने मतलब ऐसे गले से नहाया था, शैम्पू नहीं किया था, क्योंकि उसका झाग फेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 दिन मुझे फेस वॉश करने मना किया था, सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन मुझे लगाने बोला गया था। सो बेसिकली मैं ये कार्बन फेसियल करवा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ मतलब कुछ कुछ पिगमेंटेशन है जो कि वो मतलब ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, और वैसे भी मेरा और भी था। सो ये मेरा फर्स्ट लेज़र ट्रीटमेंट है जो मैं अपने पिगमेंटेशन के लिए करा रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं करवाया था लेज़र वगैरह कुछ भी, और आज मैं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए थोड़ा, इसीलिए स्किन को और थोड़ा बेटर करने के लिए। सो यस गाइज ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, ख़राब नहीं था एंड आज मैं कोई मेकअप नहीं करके आई हूँ। सो ये मेरा लिपस्टिक है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरा ग्लो, मेरा फोरहेड, टी जोन, सब ऑयल निकल रहा है। सो कोई मेकअप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं कोई मेकअप करके नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो दिखाना था एंड ये जो
ग्लो तो ऑफकोर्स आया है, बट ये नहीं बोलूंगी फर्स्ट सेक्शन में मेरा एकदम बहुत सारा कुछ हो गया, नहीं। इसका मैंने पैकेज में लिया है, आपका 6 पैकेज में आता है, एक 4 पैकेज में आता है एंड एक 12 पैकेज में आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्किन कितना डैमेज है, आपको कितना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपका डॉक्टर आपको देख के ही बोलेगा। हर एक क्लिनिक का अलग अलग पैकेज होता है। पैकेज में लेने से क्या होता है, थोड़ा सा बजट में थोड़ा सा आपको कम में पड़ता है, नहीं तो बेसिकली 6,000 पर सिटिंग का लगता है एंड आप पैकेज में लोगे तो वो कम लगता है। और मैंने इसको बुक किया था जब ईद का जब ऑफर चल रहा था, 15% ऑफर चल रहा था, तभी मैंने बुक कर लिया था। तो मैंने हाइड्रा फेशियल एक तो मैंने करवा लिया, 5 मेरा सिटिंग अभी बाकी है, तो 5 में कार्बन में ही करवाऊंगी। और हाइड्रा फेशियल का जस्ट मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था, सो दैट्स इट। अदरवाइज मुझे वो एवी नहीं करना, 6,000-7,000 खर्चा नहीं करना है। सो इसको मैं सिर्फ मेरा पिगमेंटेशन के लिए मैं करवा रही हूँ। तो 5 जब मेरा हो जाएगा उसके बाद ही मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि कितना पिगमेंटेशन जो जो मैं चाहती थी, जैसे माउथ एरिया में भी है यह, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आईब्रो में देखो मेरा एक कलर है, देख पा रहे होंगे एक कलर है राइट, और आईब्रो के ऊपर एक हल्का ब्लैक पैचेस है। ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये पिगमेंटेशन है, तो मुझे वो क्लीन करना है। एंड मेरा बिफोर में अगर देखा जाए सो 5, 6, 7 छोड़ दो, बच्चे में तो छोड़ दो ही, सरसों का तेल लगा लगा के धूप में बैठना, ये सारी चीज। 9, 10 तक भी सनस्क्रीन का उतना कुछ पता नहीं था, तो इतना पुराना जो पिगमेंटेशन होते 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 जो एक आता है कि एकदम कलर ही पूरा चेंज हो जाता है। सो वो सारे चीज़ को क्लीन होने में, एक आपका जो ओरिजिनल जो स्किन कलर है उसमें आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। एंड मुझे भी लगा है, मुझे रातों रात कुछ भी नहीं होता है, सो रातों रात मेरा भी कोई मिरेकल नहीं हुआ है। बट इतना टाइम से जब से मुझे स्किन का मैंने केयर करना शुरू किया है, तो इतना टाइम से जो मैंने केयर किया है, होम रेमेडी एंड कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब कर करके, ऑलमोस्ट मैंने 60% अपना पिगमेंटेशन ऐसे ही घर बैठे मैंने क्लीन किया है। और 40% है बिकॉज मैंने जैसे बोला ना, ये सारे पैचेज है तो माउथ एरिया में यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, तो वो कम्प्लीटली जाने के लिए तो अब पता नहीं और कितना साल लगेगा। सो तो मैंने सोचा मैं करा लेती हूँ। एंड मैं ये सारे चीज़ जो टीनेज है, जो स्कूल गोइंग है, उन लोगों को मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि ये बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। आपको 40-45,000 तक आपको पे करना पड़ता है। एंड और मैंने बोला भी है उसके साथ आपको मेडिसिन भी दिया जाता है अगर आपको वैसे कुछ प्रॉब्लम हो, क्रीम सनस्क्रीम सीरम वगैरह वगैरह सारी चीज़ आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो अभी तो मैंने फर्स्ट सेक्शन लेने के बाद कुछ सनस्क्रीम, मतलब मेरे पास ऑलरेडी सब स्किन प्रोडक्ट है ओके। एंड मैं अभी उस जगह पे आ गई हूँ कि मुझे नॉलेज है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं हर एक चीज़ आंख बंद करके डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं मैं नहीं उठा के लेके आती हूँ। मैं पहले लिया था पर अभी नहीं, उतना मैं पैसा अभी बेकार में फालतू में नहीं खर्चा करती हूँ। मुझे अभी सिर्फ मैं ट्रीटमेंट ही करा रही हूँ, बाकी जो टेक केयर है स्किन केयर है वो मैं अपने घर पे ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा होम रेमेडीज इज द बेस्ट, उसमें मुझे ऑलरेडी बहुत फायदा दिया है एंड आगे भी देगा। तो यस ओवरऑल मैं यही बोलूंगी, अगर कराना है तो डेफिनेटली करा सकते हो क्योंकि इसमें फर्स्ट रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। एंड फर्स्ट सिटिंग का मैं एक्सपीरियंस अगर बोलना चाहूंगी तो होप, एक होप मिला है कि मे बी मेरा पूरा कार्बन जो फेशियल मैंने करवाया है मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। फर्स्ट सेटिंग का तो वैसे अच्छा ही रिजल्ट दिख रहा है, इसमें आपको एक्ने को भी टारगेट करता है, आपका पिगमेंटेशन को, आपका रिंकल्स को भी, आपका जो टैन निकल जो टैन पड़ा रहता है वो उसको भी, एंड ओपन फोर्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ में फ़ायदा देता है स्किन में ओवरऑल। और आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैंने जाने के टाइम पे आप लोगों को दिखाया था, मैं जब निकल रही थी जल्दी जल्दी में
मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे जाना है, तो जल्दी जल्दी मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया था। अभी जो है ये मैं आप लोगों के सामने हूँ विदाउट मेकअप, ताकि आप लोगों को रिजल्ट दिखने को मिले। जैसे थोड़ा सा बाल वाल थोड़ा सा सेट कर लिया है एंड लिप टिंटेड लिप बम लगा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेजेंटेबल तो लग रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेकअप किया है। आप अगर अच्छे से अपने स्किन केयर करोगे तो वैसे भी आप थोड़ा सा बाल वाल सेट वेट कर लोगे तो वैसे ही आप प्रेजेंटेबल दिखते हो, ज़्यादा आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मैं चाहती थी, मेरा नीड था, मेरा सपना था कि मेरा स्किन ऐसा एक टाइम पे ऐसा हो ताकि विदाउट मेकअप कॉन्फिडेंट के साथ मैं कहीं पे भी जा सकूँ, मैं अच्छी दिख, मतलब प्रेजेंटेबल दिखूँ, मैं ये चाहती थी। एंड शायद धीरे धीरे वो हो रहा है, इंशाल्लाह हो भी जाएगा एक दिन, कोशिश अभी जारी है, आप लोग भी कोशिश करो। एंड यस गाइज, तो आज का वीडियो इतना तक ही है, एंड आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ एक धमाकेदार वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए लव यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।